हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और किसी काम से अभी हमें पटना को छोड़कर गुवाहाटी जाना पड़ रहा है। हम लोग अभी फिलहाल खड़े हैं पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन पर और यहीं से हमारी सफर शुरू होगा। थोड़ी देर बची है, ट्रेन आने वाली है। जिस ट्रेन से हम लोग अभी सफर करने जा रहे हैं उसका नंबर है 15602, नई दिल्ली से गुवाहाटी तक चलती है। नाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति भी कहा जाता है। ट्रेन है, उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और स्टॉपेज बहुत ही कम है। तो इस पूरे सफर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। बस थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। वैसे इसकी जो टाइमिंग है वो 2:50 पर है पाटलिपुत्रा जंक्शन पर, लेकिन अभी फिलहाल लेट चल रही है, 4 बजने को हैं और अभी तक ट्रेन आई नहीं है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन की वाली अनाउंसमेंट किसी को पसंद नहीं होती है। पहले इन लोगों ने अनाउंस किया है कि 2 नंबर पे आ रही है, अभी अनाउंस कर रहे हैं कि 1 नंबर पे आ रही है। दोबारा से हैवी लगेज है और भागे भागे 1 नंबर पर हम लोग जा रहे हैं। 2 नंबर से 1 नंबर पर आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन का, देखते हैं कितने देर में आ रही है। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उसके बाद आखिरकार ट्रेन आ चुकी है। हम लोग इसी ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं आज। तो हमारा जो रिजर्वेशन है वो A1 में है और यहाँ पर जो होता है ना, जो बोर्ड पे लिखते हैं उसके चक्कर में मत पड़िए आप, क्योंकि आगे पीछे होता रहता है। काफ़ी थकाव भरा हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो पाटलिपुत्रा से खुल चुकी है। बहुत इंतज़ार करवाया इस ट्रेन ने। पाटलिपुत्रा स्टेशन से इस ट्रेन की खुलने का जो टाइमिंग है 2:50, लेकिन आप देख सकते हैं 5:25 हो गए हैं और ट्रेन अब जा करके यहाँ से निकली है। या फिर पटना के आसपास के सभी इलाके इसी तरह से पानी से डूबे हुए, आप देखिए हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे होंगे इसमें लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शाम हो चली है और अभी यहाँ पर पालेजा में आकर के ट्रेन को रोक दिया गया है। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस इस तरह से झिलाएगी, पता नहीं था। सोनपुर में इसके स्टॉपेज नहीं है, फिर भी सोनपुर में इसको रोक दिया है। सब कुछ खराब नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ट्रेन में सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और चलती ट्रेन में भी सफाई के काम जो है वो लगातार चल रहा है। तो पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जो हमारा सफर है गुवाहाटी की तरफ वो जारी है। ऊपर का बर्थ मिला है हमें और बैठे हैं यहाँ पर। 2 घंटे लेट चल रही है और अभी हम लोग कटिहार जंक्शन पहुंचे हैं लग रहा है, क्योंकि अब हम लोग गुवाहाटी के थोड़ा और करीब हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन जो है ये पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये बहुत अच्छी ट्रेन इसको कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी डिले चल रही है लेकिन अंदर से सारा सिचुएशन जो है ना बहुत ही अच्छा है। इसके कोचेज अच्छे हैं, इसके कोच के अंदर जो फैसिलिटीज़ दी गई है वो बहुत अच्छी है। कटिहार जंक्शन में बैठे हैं तो किसी से बात करने को मिला नहीं। अभिजीत भाई हमारे साथ, हमारे एसी कोच अटेंडेंट हैं ये, और इनके साथ सफ़र काफ़ी अच्छा कट रहा है क्योंकि ये लोग जो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं वो ऐसा था कि हमारे कोच में थोड़ी सी गंदगी थी, तो उसको जब मैंने अभिजीत भाई से शेयर किया तो बिना कुछ सोचे हुए तुरंत हेल्प करने के लिए आ गए। अभिजीत भाई
बहुत इंतजाम किए गए हैं, देख रहे हैं एक रुपए में प्योर ड्रिंकिंग वाटर। चाय पीने के लिए गए थे लेकिन ये भुजिया मिला है, इससे काम चलाना पड़ेगा। कटिहार से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, अब अंदर चलते हैं और वहीं पर बातचीत आपसे करेंगे। रात के 2:50 हो चुके हैं और अभी हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचे हैं। ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है हमारी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मेकअप कर लेगी स्पीड और गुवाहाटी हमें टाइम पर छोड़ देगी। स्टेशन भीगा भीगा सा है क्योंकि अब बिहार में बारिश हो ही रही थी और अब हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं तो यहाँ भी बारिश हो रही है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग आसाम में इंटर कर चुके हैं। एक्चुअल में ट्रेन तो रात को इंटर कर चुकी थी लेकिन मैं शायद सो गया था क्योंकि देर रात तक जगे हुए थे, एडिटिंग कर रहे थे, वीडियो एडिट आपके लिए कर रहे थे। सुबह के 8:49 यानी कि 8:49 हो रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं न्यू बोगाई गांव और यहां पर जो स्टेशन है देखिए कितना खूबसूरत है। नीचे से ये वाटरफॉल है, छोटी सी नदी कह सकते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही इंटर करता है तो फिर यहाँ पर जो है ना आपको सीधे ट्रैक्स नहीं मिलते हैं, ऐसी ट्रैक मिलते हैं। देखिए हमारी पूरी ट्रेन दिख रही है। पेंट्री कार में जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, उसे कुछ पीते हैं, बहुत देर से कुछ आया नहीं। हम लोग यहाँ पर पेंट्री कार में आए थे कॉफी लेने के लिए, हमने कॉफी ले लिया है और ये रहा, और हम लोग इस कॉफी को जितेंद्र भाई के साथ पियेंगे। जितेंद्र भाई आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, आपको क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे कि आप लोग तो पेंट्री को मैनेज करते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होती है कि किस तरह से जो कस्टमर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, हम लोग जैसे हम ही यात्रा करते हैं तो आप किस तरह से हमें खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ करना पड़ता है, बस जैसे बिहेव अच्छा होना चाहिए, हमारे स्टाफ बिहेव अच्छा होना चाहिए, पैसेंजर जो मांगे वो देना चाहिए। काफ़ी चैलेंजिंग वर्क भी है लेकिन बहुत चीज़ों हमारे क्वालिटी हमारे हर चीज़ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पैसेंजर पर क्वालिटी के लिए शिकायत करें, चाहे पैसेंजर को मेरे स्टाफ बिहेव के लिए शिकायत करें, ऐसा कोई शिकायत नहीं आना चाहिए मेरे स्टाफ के बीच का मेरे बीच। अब हालत ख़राब हो रही है, अब तक इस ट्रेन को गुवाहाटी होना चाहिए था लेकिन अभी ग्वालपारा ही हम लोग पहुँचे हैं। देखिए कब तक गुवाहाटी पहुँचाती है, वैसे पहले से डिले हो चुकी है। अभी तक इस ट्रेन को गुवाहाटी होना चाहिए था, अप्रोक्स 10:05 हो रहे हैं और अभी हम लोग ग्वालपारा पहुँचे हैं। जी हमारे साथ एक भैया हैं, भैया आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? जबलपुर से चल रहा हूँ मैं, जबलपुर को इलाहाबाद से पकड़ा हुआ। अभी ट्रेन खुल गया, वो ट्रेन में चल के बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ क्या नाम हुआ आपका? सुनील दुबे। सुनील दुबे, एक्चुअल में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं पटना टू गुवाहाटी, लेकिन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का पहला एक्सपीरियंस है, थोड़ा लेट चल रही है, आपको कैसा लगता है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। जैसा नाम है संपर्क क्रांति, हमने सोच के संपर्क क्रांति के टिकट कराया था लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि पैसेंजर में बैठे हैं किसी। हाय करना, हाय कर दो। हाय, चलिए भैया, थैंक यू थैंक यू। पढ़ रहे हैं और अब देखिए मौसम काफ़ी खूबसूरत है लेकिन ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है, देखते हैं कब तक पहुंचती है गुवाहाटी।
पौने 12 हो गए हैं और अभी हम लोग आजरा पहुंचे हैं। कामाख्या से एक स्टेशन पहले पड़ता है और ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बहुत लेट चल रही है। काफी स्लो हो चुकी है और कामाख्या के बाद गुवाहाटी। ट्रेन ने बहुत जलाया है और आखिरकार हम लोग चल रहे हैं। जितेंद्र भाई को थैंक्स, बहुत हेल्प किया इन्होंने सफर में और ट्रेन ने फाइनली हमें बहुत झिलाया है, लेकिन हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। यूनुस भाई आए थे रिसीव करने के लिए, आए करिए आए। हाँ भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं गुवाहाटी में क्या कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं। धन्यवाद।